एक और बहुत खास किस्म का ड्रोन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, नाम है एवी ड्रो। और ये खास क्यों है और खूंखार क्यों है, ये हमें बताने के लिए हमें इस पूरे प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये क्यों इतना खास है, क्यों इतना खूंखार है? अच्छा, तो मैं एवी ड्रोन को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये ड्रोन जो है हमारा पहला चिनहुक स्टाइल बेस्ड मॉडल ड्रोन है फॉर लॉजिस्टिक्स डिलीवरी। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोकेशंस हैं जहाँ पे आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल है, गाड़ी भेजना बहुत मुश्किल है, और उन जगहों में हमको सामान भेजना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हाई ऑल्टीट्यूड फ्रंटियर पोस्ट हैं, हमारे लोकेशंस हैं जहाँ पे करंटली म्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे पहुँचने में 8-8, 10-10 घंटे लगते हैं सिर्फ 5-10 किलोमीटर जाने के लिए। तो उस एरिया में इमरजेंसी इक्विपमेंट, सप्लाइज, मेडिकल सप्लाइज, डिफेंस इक्विपमेंट, खाना और ऑल काइंड ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग दिस ड्रोन वेरी ईजिली। ये हमारा जो ड्रोन है इसमें 4 वेरियंट्स हैं। इसमें 16 kg का एक पेलोड कैपेसिटी है, 25 kg का पेलोड कैपेसिटी है, 50 kg का पेलोड कैपेसिटी है और 200 kg को पेलोड कैपेसिटी है। अच्छा, 200 kg का, तो इस पे तो एक्सप्लोसिव्स भी हम भेज सकते हैं अगर भेजना चाहें तो? आप जो मर्जी, इस डब्बे में जो चीज़ फिट आ जाए वो ऑटोमेटिकली आप भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो ये डब्बा है इसमें एक यूनिक खास बात है, इसमें सेल्फ अनलोडिंग सिस्टम है। अगर आप वीडियो में भी देख रहे हैं तो ये ड्रोन ऑटोमेटिकली जहाँ पे पहुँच के अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकता है। आपने लैंड करके भी डिस्पैच कर सकता है या गिरा के भी डिस्पैच कर सकता है। तो अब इसमें मेरी दिलचस्पी ये है जानने में, चूंकि इसका आकार बहुत बड़ा है और आपने नाम लिया चिनूक का, तो चिनूक से इसको रिलेवेंट करने के पीछे का तर्क क्या है? हम लोग देख रहे थे कि टेक्नोलॉजीज़ आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ बहुत इवॉल्व हो रही हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। तो जो चीज़ करीब 50 साल से या शायद 35 साल से बड़े सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, वो चिनूक टेक्नोलॉजी था। तो हमने सोचा कि अगर हमको पेलोड को एड्रेस करना है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों ना इस्तेमाल करें जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसलिए हमने उसको अडॉप्ट करके उसी के थीसिस पे हमने ये टेक्नोलॉजी बनाया और काफ़ी सक्सेसफुल निकला है हमारा। तो अब मुझे अब ये बताइए कि इसकी उड़ान कितनी ऊपर हो सकती है, कितने देर हो सकती है, स्पीड क्या होता है? करीब ये जा सकता है करीब 4000 मीटर के हाइट पे। हाँ, जो हमारे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन है वहाँ तक पहुँच सकता है। और ये आराम से करीब 80 से 100 मिनट चल सकती है डिपेंडिंग ऑन द पेलोड जो लगी हुई है इस पर। और ये करीब 25 से 30 किलोमीटर तक डिस्टेंस एंड्योर कर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर भी? अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो इसे बनाया गया है बहुत खास तरीके का टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आपने बताया भी कि चिनूक पैटर्न पर इसे डिज़ाइन किया गया है, तो इसकी उड़ान भी क्या वर्टिकल उड़ान है इसकी या कैसे? एब्सोल्युटली ये वर्टिकल टेक ऑफ है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। और जो इसकी मूवमेंट है प्रोप्राइटरी मूवमेंट है हमारी जो इसको सपोर्ट करती है। और जो हमने नोटिस किया है इंस्टेड ऑफ क्वाडकॉप्टर का जो फॉर्मेट है, हमने नोटिस किया है कि ये फॉर्मेट ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा स्टडी, मोर रिलायबल, मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसे आप किस किस, ये सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि ये बनकर तैयार कहाँ हुआ है, क्या ये भारत में बनकर तैयार हुआ है और इसे कहाँ कहाँ ले जाने की आप लोगों की तैयारी है, दुनिया के किन किन देशों तक इसे पहुँचाना है आप? ओके, तो ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनली कैनेडियन टेक्नोलॉजी है। हमारी इंडियन कंपनी ने कैनेडियन टेक्नोलॉजी को अक्वायर कर लिया है और फिर हमने उसको फर्दर डेवलप करके हमारी इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया है। क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी देशों में ऐसी हाई ऑल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमारी इंडिया में रिक्वायरमेंट है। हमारे पास हिमालयाज हैं, हमारे पास बहुत सारी वेदर कंडीशंस हैं जो बाकी दुनिया में नहीं अवेलेबल है। तो हमने उसको डोमेन स्पेसिफिक बना के उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके हमारे देश के हिसाब से बनाया है। और दूसरी बात, जो हम इसको अमेरिका में बेच चुके हैं, हम इसको सऊदी अरब में भी बेच चुके हैं, मलेशिया में भी बेच चुके हैं और अब हम इसको इंडिया में लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे इसमें एक और दिलचस्प सवाल ये दिखाई पड़ता है कि आप तमाम इसके, तो ये भारी बारिश के दौरान भी उड़ान भर सकता है आसानी से? भारी बारिश तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर लिसन, मीडियम टू लाइट बारिश ये सस्टेन कर लेगा। बिल्कुल। और इसकी खूबी यही है कि ये ऑटोमेटिक जो है, जहां मुझे डिलीवर करना है वहां जाके ये सामान को अपने आप डिस्पैच कर देगा। इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और AI बेस्ड भी है या कैसे काम करेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली दोनों ऑप्शंस हैं। इसमें मैनुअल ऑप्शन भी है और ऑटोनॉमस ऑप्शन भी है। पर लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है
कि इसमें जितना भी फ्लाइट कंट्रोल और ऑटोनोमस कंट्रोल और इसकी कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है ये हमने खुद बनाया है, हमारी कंपनी ने बनाया है, तो इसको हैक करना बहुत मुश्किल है। और हमारे जो पार्ट्स हैं और जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं सारे इंडिजिनसली मेड है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम प्रोटेक्टेड हैं बाकी हमारे दुश्मनों से जो इसको हैक करने की कोशिश करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल इसको लेकर, इसकी कीमत जो है वो कैसी रहेगी? क्योंकि लगातार कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दाम होने के कारण अच्छा प्रोडक्ट भी कंपटीशन से बाहर हो जाता है। नहीं, हम लोग ने बहुत ध्यान से, हम लोग 8 साल से R&D और डेवलपमेंट करते आए हैं, तो हमने हमारे कस्टमर के प्राइस पॉइंट को अंदाज़ा करते हुए इसकी प्राइसिंग ऐसे तरीके से लाए जो हमको मार्केट कंपेटिटिवली बना सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये चिनूक पैटर्न पर एक ड्रोन बना है जो सामान डिलीवर कर सकता है, डिस्पैच कर सकता है, और वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है। अगर आपको समुद्र में भी भेजना है तो वो वहाँ भी चला जाएगा। इसकी उड़ान क्षमता भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि 200 किलो तक का पेलोड ये उठा सकता है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।